दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपके बीच आ चुके हैं 10 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि पर डे हमारी 10 बजे आपके लिए क्लास आती है और इसमें हम कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी देखते हैं। तो एक बार फिर से आपके लिए जो आज का टॉपिक है वो हम लेकर आ गए हैं। तो आज का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या सिमिलरिटीज़ है या क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों ये पार्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये वैल्यू रखता है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में। या आप कह सकते हैं कि जो ये पार्टिकुलर हमारा कंसेप्ट है यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बता दूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और उसी समय में इस पिछले क्लास की अगर आप बात करें तो हमने ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के सिद्धांत के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं की। तो इसी बीच में यहाँ पर जब हम दोस्तों पार्टिकुलरली डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें कई सारे फैक्टर होंगे जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे से विश्लेषण करेंगे। अगली बात जो हम यहाँ पर करने वाले हैं कि अनअकैडमी शिक्षा पर लगातार आपको क्लासेस चली रही है और अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में भी आप लगातार अनअकैडमी के एडुकेटर को देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप एक कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। और अनअकैडमी प्लस आपके लिए बेहतरीन सेवा लेकर आया हुआ है और जहाँ पर कि आपको बेहतरीन रूप से आप एक कंप्लीट बैच के थ्रू तैयारी कर सकते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, पोल्स अटेंड कर सकते हैं इत्यादि। अनअकैडमी प्लस के कई प्रकार के फीचर्स हैं जो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। बस आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जाना होता है और उसके बाद आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। और अनअकैडमी प्लस में आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। मेरी जो आप लोगों को सजेशन है उसके हिसाब से आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले जो आपके केवी इत्यादि हैं सबका इसमें आ जाएगा। और बात ये इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ही कम रेट में है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम रेट में है। और उसके बाद भी अगर आप बात करते हैं हिमांशु लाइव, अगर आप रेफरल कोड यूज कर देते हैं तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो HIMANSHULIVE हिमांशु लाइव रेफरल कोड है और इस रेफरल कोड के बाद अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो और भी ज्यादा डिस्काउंट, जो भी 5400 है इस पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है और आप अपना बेहतरीन यहां पर जो है पूरा लाभ उठा के अपनी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी आपको डाउट है कमेंट में लिखिएगा। और जो कल का जो हमारा सेशन हुआ था, उम्मीद है कि उसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कल के सेशन में कई सारी बातें आप लोग को बताई गई थी। तो उन सभी चीज़ों के बाद आज हम अगेन करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आप लोगों को पता चल चुका है और जो कि पॉइंट है हमारा यहाँ पर डिफरेंस या सिमिलरिटीज क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो आपके क्या राय है, आपके क्या पॉइंट है, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं और जो इसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं उस पर हम आपके सामने चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस दोनों के बीच के संबंध की, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच के हम संबंध की बात करेंगे। संबंध की बात मतलब कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या चीजें हैं जो दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाती है। कई बातें इस पर हम कर चुके हैं पिछले क्लासेस में कि कैसे अगर आप वृद्धि एवं विकास की बात करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ तो विकास का ही पार्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि वृद्धि को यूनिक बनाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एलोबरेट करके देखेंगे, इसलिए आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। पहला लाइन क्या है कि वैज्ञानिक साहित्य में वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। एक एक चीज से, एक एक लाइन से क्वेश्चन है। ये मेरी खुद की बुक का है, आप लोगों के पास होगी तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। तो वैज्ञानिक साहित्य में, वैज्ञानिक का जो साहित्य है उसके हिसाब से वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक होने का क्या मतलब होता है? अगर हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है या हमारी जो सोच है या हमारा जो तौर तरीका है वो आपके तौर तरीके से, आपके सोच से मिलता जुलता है, या हम दोनों एक दूसरे के तौर तरीके में बेहतर रूप से समझते हैं, एक दूसरे के तौर तरीकों को बेहतर रूप से जानते हैं। तो ये हो गया आपका जो कि
पूरी तरीके से आपको ये कहता है कि भैया मिले हुए तो हैं दोनों, इस बात को आप समझ जाइए। ठीक है, तो क्या हो गया कि दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके बाद अब चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला लाइन यहां पर क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला लाइन यहां पर कहता है आपको, एक सेकंड, हाँ अगला लाइन यहां पर आपको कहता है कि वृद्धि का तात्पर्य लंबाई, वजन या मानसिक स्तर में वृद्धि से है। वहीं दूसरी तरफ विकास वृद्धि और जीवन में हो रहे समग्र बदलाव का मिश्रण है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगेन एक बार फिर से इसके पॉइंट को मैं तरीके से हाईलाइट करूंगा जो कि आप लोगों को यहां पर समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या कहा गया यहां पर, यहां पर कहा गया, यहां पर देखिए कि जो वृद्धि है, ठीक है, जो वृद्धि है, वृद्धि का तात्पर्य लंबाई से है, वजन से है या मानसिक स्तर से है। मतलब आपकी जो लंबाई है या आपका जो वेट है या जो आपका मेंटल लेवल है, इसमें जो चेंजेज है वो आपका वृद्धि है। आप सब लोग जानते हैं, मतलब सिंपल सी बात है भैया, कोई भी चीज अगर आप माप सकते हैं, ठीक है, तो वो वृद्धि है। जहां पर भी जो भी चीज आप माप सकते हैं वो वृद्धि है। वहीं दूसरी तरफ, उसको छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ विकास क्या है, वृद्धि तो है ही, विकास के अंदर ही वृद्धि भी है, वृद्धि भी विकास का एक पार्ट ही है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में हो रहे समग्र बदलाव का मिश्रण है। जीवन में जितने भी बदलाव हैं, जीवन में जितने भी डिफरेंसेस हैं, उन सभी डिफरेंसेस का मिश्रण है। उन सभी डिफरेंसेस को मिलाकर विकास बनता है। मतलब वृद्धि तो है ही, और वृद्धि के साथ साथ जितने भी अलग अलग प्रकार के बदलाव हैं, अलग अलग प्रकार के चेंजेज हैं, उन सभी चेंजेज का जो मिश्रण है वो विकास है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, किताबी रूप से भी और जिस रूप में हमें यहां पर बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उस रूप में भी। पहली बात तो हो गया कि भैया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरी बात हो गया कि लंबाई, चौड़ाई, वजन, मानसिक रूप से अगर स्तर की बात करते हैं तो जो लेवल है जिसको आप नापते हैं वो सब कुछ आपका वृद्धि में है। दूसरी तरफ विकास की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि के साथ साथ बाकी सब चीजें विकास में आती है। ओके, तो ये हो गया बात यहां तक। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये सिमिलरिटीज देख रहे हैं हम। सिमिलरिटीज में पहली बात तो क्लियर हो गई कि विकास के अंदर वृद्धि तो आ गई है ना, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं। और अगला पॉइंट एक बार थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूं ताकि आप इसको ध्यान से देख पाइए। अगला पॉइंट यहां पर क्या कहता है देखिए, चलिए दूसरे शब्दों में विकास को शरीर और व्यवहार के विशेष पहलुओं में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में यहां पर बोल रहा है उसी बात को कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, यह शरीर में और व्यवहार में, इन दोनों के जो विशेष पहलू हैं उसमें जो होने वाले परिवर्तन हैं उसका वर्णन करने के लिए आप इसको संदर्भित कर सकते हैं। मतलब हमारे विकास की अगर आप बात करते हैं, हमारे डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं, तो उसमें जो स्पेशली शरीर और व्यवहार में जो विशेष पहलू में परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए हम विकास को बोल सकते हैं। अब देखिए एक ही बात को दो तीन तरीका से यहां पर कैसे बोला गया। मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, हमारे मन में कोई परिवर्तन हो रहा है, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी चेंजेज हो रहा है तो उसको हम विकास बोल देते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल। ध्यान दीजिएगा यहां पर विकास में शरीर भी आ रहा है, व्यवहार भी आ रहा है। तो व्यवहार में आपका सब कुछ आ गया, संवेग आ गया, मनोविज्ञान आ गया, आपका बौद्धिक क्षमता आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये हर प्रकार की पहलू जो है इसके परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो इसके परिवर्तन को ही हम विकास बोलते हैं। इस तरीका से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद और यहां पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने विकास की बात कर ली।
अब यहां पर वृद्धि की बात कहता है। वृद्धि की परिभाषा के संबंध में, वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा किसी भी दिशा या नियंत्रण के बिना होती है। मतलब जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, किसी भी दिशा में अगर हम बात करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, या नियंत्रण के बिना होती है। अब विकास, वृद्धि क्या हो गया? वृद्धि आपने इतना तो समझ लिया कि वृद्धि, पहली बात तो ये शारीरिक जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं, ठीक है, और उसकी प्रक्रिया को बताने में यहां पर बोला जा रहा है कि वृद्धि की परिभाषा के संबंध में अगर ये एक ऐसी प्रक्रिया की बात करें जो किसी भी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब उस डायरेक्शन को अगर आप देख पा रहे हैं कि हाँ चलो ये फिजिकल है ये लंबाई बढ़ गई, ये हाइट बढ़, मतलब ये वेट बढ़ गया, तो जिस भी डायरेक्शन में आप उसको देख रहे हैं, उसकी दिशा को, तो उस दिशा में या तो बिना नियंत्रण के या बिना कंट्रोल के भी जो चेंजेज होता है वो भी होता है। कई चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे आपकी हाइट है या आपका जो वजन है या आपकी जो मांसपेशियां हैं, बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद अनेक अनेक प्रकार से वृद्धि होती है, तो ये चीज़ें जो बढ़ती है यही वृद्धि है। तो यहीं पर आपको विकास में शरीर और व्यवहार सब कुछ को ले लिया गया और व्यक्ति को एक डायरेक्शन में या नियंत्रित या अनियंत्रित तरीके से जो एक प्रक्रिया चलते रहती है शरीर में, उसको वृद्धि से जोड़ दिया गया। आगे देखिए, विकास परिपक्वता और सीखने दोनों पर निर्भर करता है। दो पॉइंट यहां पर आया, फिर से इस दोनों पॉइंट पर आप ध्यान से देखिएगा, परिपक्वता और सीखना। मतलब परिपक्वता मतलब आपके पास जो कैपेबिलिटी है, और सीखना मतलब उस कैपेबिलिटी में आप और नया क्या क्या सीख के अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, परिपक्वता और सीखना। विकास की जब भी हम बात करते हैं, हमने आपको पिछले क्लास में भी ये बात बोला था कि विकास की जब भी हम बात करेंगे, जो हमारी कैपेबिलिटी है और उसके साथ साथ जो हम लर्निंग करते हैं, इन दोनों ही पॉइंट पर यह निर्भर करेगी। इसलिए यहां पर कोई डाउट नहीं है कि आज आपके दिमाग में जो कैपेसिटी है वो और आप नया जो सीख रहे हैं वो, दोनों ही आपके विकास में इंपॉर्टेंट योगदान निभाता है। इसके बाद है कि परिपक्वता समय के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन को संदर्भित करती है, और सीखने से व्यक्तियों पर चल रहे उचित पर्यावरणीय बलों की कार्रवाई को संदर्भित किया जा सकता है। तो परिपक्वता के संदर्भ में यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि समय के परिणाम स्वरूप, मतलब जैसे जैसे समय बदलता है, उस समय के परिणाम स्वरूप मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन जो होता है, यही है आपकी परिपक्वता, ठीक है। अगर आपकी यहां पर बॉडी मैच्योरिटी की हम बात करते हैं, फिजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो जब हम छोटे थे तो इतने से थे, अब हम बड़े हो गए तो इतने बड़े हैं, तो हमारी मांसपेशियां चेंज हुई है, तंत्रिका तंत्र चेंज हुए हैं, तो इनमें जो चेंजेस हुए हैं, इनमें जो डिफरेंसेस हुए हैं, इसी डिफरेंसेस को हम परिपक्वता बोलते हैं। और सीखने से, अगला पॉइंट देखिए, सीखने से व्यक्ति पर चल रहे उचित पर्यावरणीय बलों की कार्रवाई को संदर्भित किया जाता है। अगर सीखने की आप बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो उससे जो एक इंसान पर, एक व्यक्ति पर जो पर्यावरणीय बल है वो किस हिसाब से लगेगा, उस चीज को ये बताता है। मतलब हम पर, आप पर, हम सब पर एक पर्यावरणीय बल लगता है, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट होता है, तो किस पर कैसा एनवायरमेंट का इम्पैक्ट होगा, ये बात हम इस रूप में जान सकते हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार की लर्निंग हो रही है। तो दो चीज हो गई, एक तो परिपक्वता, और परिपक्वता के अंदर अगर हम फिजिकल शारीरिक परिपक्वता की बात करें, तो हमारी जो मानसिकता है, खास मतलब मांसपेशी है, और जो तंत्रिका तंत्र है उसकी हम बात करते हैं, और अगर हम सीखने की बात करें तो जितनी भी सीखने की नई नई तकनीक है, और उनके हमारे उनका हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो पर्यावरण में अनेक प्रकार के सीखने की विधियां हैं उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज कहीं ना कहीं निर्भर करता है आपके लर्निंग प्रोसेस पर। और यहीं से हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, और ये वृद्धि और विकास के संदर्भ में ही हम देख रहे हैं।
ठीक है। तो इसके बाद चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट उसी के अंदर, ध्यान से देखिएगा, सभी विकास प्रक्रियाएं। अपनी किताब की हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, बस उसको उस रूप में समझने की जरूरत है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सभी विकास प्रक्रियाएं उन परिस्थितियों से प्रभावित होती है जिनके तहत बच्चे पर्यावरण पर कार्य करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। जितनी भी डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जितनी भी विकास की प्रक्रियाएं हैं, वो उन परिस्थितियों से प्रभावित होती है, उन कंडीशन से प्रभावित होती है, उन सिचुएशन से प्रभावित होती है जिसके तहत बच्चे पर्यावरण पर कार्य करते हैं, एनवायरमेंट पर काम करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन देते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के प्रोसेस की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम इस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जिससे कि बच्चे पर्यावरण पर कार्य करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। सिंपल सी बात है, एक बच्चा किसी न किसी एनवायरमेंट में रहता है, उस एनवायरमेंट में जब वो रहता है तो वो कुछ न कुछ रिएक्शन करता है, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देता है। तो ये जो रिएक्शन करता है वो बच्चा और जो पर्यावरण पर वो कार्य करता है, ये सभी विकास प्रक्रियाएं जो है उन परिस्थितियों से प्रभावित होती है। क्योंकि देखिए, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, हम सब समाज में रहते हैं, वैसे बच्चा भी समाज में रहता है। तो बच्चे के डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे की डेवलपमेंट भी समाज के साथ कैसी अंतःक्रिया हो रही है उस पर निर्भर करती है। तो समाज के साथ अंतःक्रिया बच्चे पर किस प्रकार से इम्पैक्ट डाल रही है, समाज की नीति या समाज की जो एक्टिविटी है वही प्रतिक्रिया है बच्चों के साथ, और वो उससे बच्चे प्रभावित होते हैं, पर्यावरण पर कार्य भी वो करते हैं। अब जैसे देखिए, चलना या बोलना ये क्या है, ये चीजें आपको क्या लगता है कि ये पर्यावरण से नहीं जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वो हर एक चीज जो बच्चे को आगे बढ़ा रहा है वो सब कुछ पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अपेक्षाकृत ये सब जो चीजें हैं बच्चे अपने आप सीखते जाते हैं इस पर्यावरण में आने के बाद, और किस प्रकार की गुण सीखेंगे इसके अंदर वो चीज उनके पर्यावरण पे डिपेंड करती है। जैसे एक यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का बच्चा और एक इंडिया का बच्चा, दोनों में आपको जन्म के बाद जो उनकी भाषा है उसमें भी आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। तो हर जगह पर थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बच्चा चलना या बोलना सीखता जरूर है, ये लर्निंग बच्चे के अंदर आती जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरे विकास प्रक्रिया को अधिक लंबा समय चाहिए, ये एक आपको जो है नोट करने वाली बात यहां पर हो गई, ठीक है, ओके। नोट करने वाली बात यहां पर यह कह दिया है कि जो चलना सीखना है और जो बोलना सीखना है ये दोनों बच्चा थोड़ा जल्दी सीख लेता है, लेकिन जो इसके अलावा बाकी चीजें हैं, दूसरा विकास प्रक्रिया जो है उसको थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम इसमें चाहिए होता है, ठीक है। चलना या बोलना के अलावा जो बच्चे अलग अलग एक्टिविटी करते हैं उसमें उसको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अब यहां पर देखिए, विकास हुआ है या नहीं ये हम तभी देख पाते हैं जब हम वर्तमान व्यवहार के साथ पहले के व्यवहार की तुलना करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कोई भी आदमी डेवलप किया है कि नहीं किया है उसको हम वर्तमान व्यवहार के साथ फ्यूचर में उसके व्यवहार को देखते हैं। मतलब आज अगर आप किसी से मिले, उसके बाद आप 2 महीने बाद किसी से मिल रहे हैं, तो अगर आप उसको उसके डेवलपमेंट को देखते हैं कि अरे वाह बहुत डेवलप किया है, तो अगर आप उसमें अंतर कर पाते हैं कि नहीं उस टाइम पे ये इस पोजीशन में था, उस टाइम पे ये इन चीजों को नहीं जानता था, आज ये काफी बेहतर हो चुका है। होता है ना, कई बार घर से बच्चे निकलते हैं और पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन के वापस आते हैं तो लोग देखते हैं, अरे यार इस समय में और इस समय में डिफरेंस देखो। तो ये डिफरेंस को ही विकास कहते हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहे है, आप 2 साल बाद किसी से मिले और लोग आपको प्यार मोहब्बत में अपनेपन में ये बोले कि तुम तो बदले नहीं, तुम तो वैसे ही हो, तो इसको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मत लीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका कोई खास विकास नहीं हुआ। तो अगर डेवलपमेंट होता है तो इंसान चेंज होता है, इंसान के अंदर नई नई क्वालिटी इंप्रोवाइज करके आती है।
नई नई इन्हांसमेंट होती है इंसान के अंतर्गत। इसलिए विकास हुआ है या नहीं हुआ है वो इंसान को जब आप वर्तमान को पहले के व्यवहार में तुलना करेंगे या भविष्य में आप तभी और अभी को तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा। यही बेसिकली इसके अंदर कहा जाता है। अब हम देखते हैं वृद्धि और विकास के बीच अंतर। अभी हम अलग अलग सिमिलरिटीज देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि कैसे क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे इनके बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बीच के डिफरेंस को, डिफरेंस की अगर आप बात करते हैं तो वृद्धि का क्या अर्थ, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक रूप से परिवर्तन जिसके कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। वहीं विकास का अर्थ जो है यहां पर गुणात्मक है। ठीक है, शारीरिक रूप से परिवर्तन मतलब यह मात्रात्मक है, इतना आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, वृद्धि मतलब मात्रात्मक है शारीरिक परिवर्तन, और विकास जो है वो गुणात्मक है। क्यों है? क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक इसलिए है क्योंकि वृद्धि में मात्रा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मात्रा कितनी है, किसी की हाइट कितनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन विकास को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट अगर कोई मान लीजिए ग्रो कर रहा है, सीख रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके नए नए गुण, नए नए क्वालिटी ऐड होते हैं, इसलिए इसको गुणात्मक बोलते हैं, क्योंकि इसमें नई नई क्वालिटी आती है और इस क्वालिटी को आप देख लेते हैं कि अच्छा इस बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटी आई, तो यही जो है गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। इसलिए ये अंतर भी है और आप सब लोग जानते भी हैं, एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो वृद्धि मात्रात्मक है और विकास हमारा गुणात्मक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विकास को वृद्धि से बड़ा माना जाता है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर देंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए ये विकास है तो ये वृद्धि, तो विकास को वृद्धि से बड़ा माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वृद्धि है वो विकास की अवधारणा का ही एक भाग है। यही बात तो हम पिछले इतने क्लासेस से बोल रहे हैं कि वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, दोनों अलग अलग नहीं है। विकास की जो अवधारणा है उसी में एक जगह वृद्धि है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं घर का भेद ही निकल गया, वो उसमें थोड़ा अलग अलग गुण आ गया, इसलिए हमको उससे अलग से पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो जैसे हम बौद्धिक विकास पढ़ते हैं, संवेगात्मक विकास पढ़ते हैं, भावनात्मक पढ़ते हैं, वैसे ही शारीरिक के भी गुण पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा गुण अलग आ गया, जैसे वो मात्रात्मक हो गया है, वो बीच में आके रुक गया, जिंदगी भर नहीं चला, इसलिए हम इसको अलग मान लेते हैं। तो वृद्धि की अवधारणा जो है वो विकास की अवधारणा का ही एक पार्ट है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोला जाता है, अगला पॉइंट बोला जाता है इसमें आपको कि गुणात्मक, जो भी हमने बात की विकास के बारे में, गुणात्मक और परिणात्मक परिमाणात्मक मतलब परिमाण जो आते हैं, वृद्धि का तात्पर्य परिमाणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम विकास की बात करते हैं तो वहां पर गुणात्मक आता है, और वृद्धि की बात करते हैं तो वहां मात्रा आता है, लेकिन परिमाण तो दोनों में है, दोनों के परिमाण को हम देखते हैं, और वहीं पर अगर विकास का गुणात्मक है तो वृद्धि का तात्पर्य जो है वो परिमाण और मात्रात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध तो गुणात्मक से है ही, वो हम शुरू से ही जान रहे हैं। तो परिवर्तन, देखिए चीजों को लिखने का अलग अलग तरीका है। अगर हम मात्रात्मक परिवर्तन की बात करते हैं या परिमाणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो परिमाण दोनों में है। ठीक है, कि हम ज्यादा वृद्धि किए, हम कम वृद्धि किए, है ना, ये परिमाण है, लेकिन तरीका अलग है, एक मात्रा में बताता है, एक गुण में बताता है। तो इसके गुण में वृद्धि हुई वो विकास हुआ, और इसकी मात्रा में वृद्धि हुई वो आपका वृद्धि हुआ। तो वही बात है, समझने का बस फेर है, चीजों में ज्यादा अंतर है नहीं, बस समझने का फेर है, और थोड़ा सा चीज के कारण एग्जाम में क्या करता है आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा राउट करके थोड़ा इधर उधर घुमा के कर देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको वहां पर एक्चुअली में क्या पूछ रहा है। जैसे आपको पता है मात्रात्मक है वृद्धि, लेकिन इसी मात्रात्मक को अलग वे में पूछ देगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये गुण हुआ, ये वृद्धि हुआ, ऐसा हुआ, टीचर ने ये जांचा, ऐसा किया, तो वो क्या था।
तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। अगर उसमें आपको मात्रा बताई जाती है कि वो बच्ची जो है 3 क्लास से 4 क्लास में गई तो उसका उम्र 1 साल बढ़ गया या उसकी हाइट इतनी बढ़ गई, तो ये सब जो मात्रा बताई जाती है तो टीचर किस बारे में बात कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो टीचर जो है आपका ये शारीरिक परिवर्तन की बात कर रहा है। लेकिन अगर टीचर बात कर रहे हैं कि जब 3 क्लास से 4 क्लास में गए तो ये भी सीख ली, ये भी सीख ली, इसमें क्वालिटी बढ़ गई, तो टीचर किस चीज़ की बात कर रहा है, तब जाके टीचर आपका गुणात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है। तो ये दोनों ही चीज जो है, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों ही चीज अलग अलग वे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अभी, क्योंकि कंसेप्ट इतना ही है, लेकिन इसको अगर एग्जाम में पूछने की बात की जाए तो बहुत तरीके से घुमा घुमा के आपको इसमें पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, एक मानव शरीर में वृद्धि की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एग्री करते हैं आप लोग? कोई भी इंसान में वृद्धि की गति एक जैसा नहीं रहती है। मतलब कि अगर आपके अंदर आज जो वृद्धि हो रही है, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो वाली वृद्धि कल भी होगी। हमने आपको लास्ट क्लास में भी किसी टॉपिक पर बोला था, अगर आपको याद होगा, तो कोई 1 मंथ का बच्चा अगर है, यहां पर देखिए 1 मंथ का ये बच्चा है, ठीक है, ये इतना इत्तू सा है मान लीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, यही अगर 1 साल का बच्चा है तो ये मान लीजिए इतना सा हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस आप देख लेंगे। वही अगर कोई 24 साल का है, कोई 25 साल का है, इस दोनों में भी 1 साल का डिफरेंस है, तो इस दोनों में आपको, इसका मुंह थोड़ा ज्यादा चौड़ा बन गया, उतना चौड़ा है नहीं वो, जो भी है, इस दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, ठीक है, ये दोनों, इस बच्चे में और इस बच्चे में ज्यादा डिफरेंस आपको, मतलब दोनों एक ही बच्चा है, इस बच्चे को जब आप 1 मंथ में देखिएगा और जब 1 साल में देखिएगा तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा अंतर हो गया दोनों में। वहीं अगर उसी को 24 साल और 25 साल में आप देखते हैं तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं लगेगा दोनों में, मतलब कुछ खास अंतर नहीं लगेगा। आप लोग मेरे से कई साल से जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, 1 साल से कोई अंतर लग रहा है आपको? ऐसा कोई खास अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई 1 मंथ से 1 साल के बच्चे को आप ऑब्जर्व करें तो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है कि नहीं? तो यही पार्टिकुलर चीज जो है ये बोलता है कि वृद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। और इसके आगे क्या बोल रहा है देखिए, कि वह बाल्यकाल में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है। तो एक ऑल ओवर राउंड एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दिया कि बचपन में ये वृद्धि तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है, और इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट यही है कि जब बच्चा काफी छोटा होता है तो शैशवावस्था में सबसे तीव्र होती है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये विकास में भी है, क्योंकि बच्चे की जो ग्रैब करने की क्षमता है, बच्चे की जो चीजों को अंडरस्टैंड करने की या उसको जो उनके अंदर लेने की क्षमता है वो भी इसी उम्र में ज्यादा होती है, शैशवावस्था में। धीरे धीरे अभी जैसे आपके दिमाग में होगी काफी चीज, लेकिन आप उतने क्विक लर्नर नहीं होंगे जितना कोई शैशवावस्था का बच्चा होगा, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा बोलने लगता है और अनुकरण करने लगता है, तो एक तो बचपन से ही वो अनुकरण करता है, और उस समय में जितना वो अनुकरण कर लेता है आज आपकी उतनी तेजी से आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि बच्चा का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, उस पर हम जो चाहें रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि हमेशा उसकी गति एक जैसी नहीं रहती, और खाली स्लेट पे लिखना ज्यादा आसान है, ये खाली स्लेट है इस पे लिखना ज्यादा आसान है, ठीक है। अब लिखा हुआ है इस पर, अब फिर से हम इस पे लिखना चाहेंगे ना, तो वो फिर थोड़ा सा गिजगिज हो जाता है, वही आपके दिमाग में खिचड़ी बनता है जो एग्जाम टाइम में आप बोलते हैं कि सर ये पता था फिर भी इसमें ये मिल गया उसमें वो मिल गया, ये यही होता है। तो वही चीजें सिस्टमेटिक रखनी है। लेकिन विकास की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो ये लगातार चलती रहती है, ये रुकती नहीं है कभी भी, ठीक है। और यहां पर हम अनेक प्रकार के, आपके अगर बौद्धिक विकास की बात करते हैं, कहते हैं ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव में आप पढ़ना शुरू करें। बहुत लोग को आपने देखा होगा जबकि लोग हार जाते हैं जिंदगी से, तो इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हम और आप सीख सकते हैं और हम और आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारी पूरी विकास की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, विकास किस किस रूप में होता है वो हम देखें। हमने वृद्धि और विकास में क्या सिमिलरिटीज है वो देखा, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो देखा, और दोनों के बीच कैसे हमें हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ये पार्टिकुलर जो सिचुएशन है इसमें बच्चे वृद्धि और विकास एक दूसरे के कैसे पूरक होंगे और दोनों का जो है आगे बढ़ना कितना जरूरी है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और अनअकैडमी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में सब लोगों को बताइए और ताकि लोगों से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बन सके। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक को इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।